हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इंट्राडे ट्रेड पर आपका वेलकम है। देखिए, मार्केट यहाँ पर गैप डाउन तो ओपन हुआ, ठीक है, बट स्मॉल, मतलब 30 पॉइंट का। और मार्केट मतलब 9-10 को देख रहा था मैं, तो मार्केट फिर यहाँ से मतलब अपर साइड की मूवमेंट ही कर रहा, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव ओपन होने के बाद मार्केट पॉजिटिव में गया, ठीक है, 100-150 पॉइंट से। और मार्केट देखिए वहाँ से फिर डाउनफॉल कितना आया, ठीक है, 200 के आसपास आया मार्केट। इसलिए कि नहीं, हमारे को अभी बड़ा सोचना है, ठीक है, ओके। अभी देखते हैं, डे की कैंडल पर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, और मार्केट ने देखिए यहाँ पर रेड कैंडल डाला है, ठीक है। और मैंने, अगर मेरा कुछ बात आपको बुरा लग रहा, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरी पिछली वीकली कैंडल की देखिए। और मैंने बोला था मार्केट यहाँ पर कौन सी कैंडल डालते हैं, उसके बाद ही हमारे को समझ में आता है, ठीक है। अभी डे के कैंडल पर अगर वीकली कैंडल देखेंगे ना, तो रेडी दिख रही होंगी आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मार्केट है ना, रेड कैंडल डाला है, ठीक है। अभी इस रेड कैंडल को कंटिन्यू यहाँ पर कल करना चाहिए, मतलब मंडे में, ठीक है। अगर यहाँ पर कंटिन्यू करता है तो फिर अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है हमारे को। 16,900 को भी क्रॉस कर सकता है यहाँ पर। 800 का हमारे पास सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट से बाउंस बैक नहीं होता तो फिर डाउनफॉल फिर से आने वाला है, ठीक है, 400 के आसपास। तो देखिए अभी वीकली की कैंडल पर दिखाता हूँ मैं आपको, सॉरी मंथली हो गई, हाँ वीकली देखिए। अभी यहाँ पर देखिए वीकली कैंडल के ऊपर बता रहा है कि मार्केट यहाँ पर बाउंस बैक जाने वाला है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अगर देखते हैं अभी मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव ओपन होता है, थोड़ा, हाँ लाइकली, तो यहाँ पर मार्केट है ना, फिर यहाँ पर बाउंस बैक हो सकता है, ठीक है, अगर नेगेटिव ओपन होता है तो। और देखिए अगर मार्केट इस रेंज को निकल देता है, ठीक है, या तो फिर क्या करता है मार्केट, आपको बता दो। देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल डाला है, लोगों को लगता है फिर यहाँ पर बाउंस बैक हो सकता है। बट देखिए यहाँ पर पॉजिटिव ओपन होता है ना, तो फिर मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू डाउनफॉल होने वाला है, ठीक है। और मार्केट जा सकता है इस रेंज तक, 30,000। मार्केट यहाँ से 500-600 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया है, ठीक है, 11,000 के आसपास से, ठीक है। अभी मार्केट को यहाँ पर डाउन होना चाहिए फिर, क्योंकि एंडिंग में जो लास्ट के 2-3 मंथ रहे थे ना, मार्केट वहाँ पर डाउनफॉल होता है। तो अभी भी मार्केट डाउनफॉल की साइड में ही जा रहा है, वैसे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी अब देखिए 15 मिनट कैंडल के ऊपर। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, बट देखिए पूरा। और देखिए मार्केट अगर इस रेंज को निकल देता है, ठीक है, 250 को निकल देता है मार्केट, तो मार्केट 350 के आसपास आ सकता है। और मार्केट अगर इस रेंज को निकल देता है फ्लैट ओपन होने के बाद 150 के, तो देखिए मार्केट इस रेंज तक आ सकता है, 70,000 के आसपास। अगर मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव ओपन होता है, ठीक है, पॉजिटिव मतलब गैप अप ओपन होता है, तो हमें वेट करना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो इसके बाद ही आता है 350 के बाद, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमें पहले रेड कैंडल डालने दीजिए, उसके बाद सेकंड कैंडल अगर बनाता है तो उसके बाद ही ट्रेड कीजिए, ओके।